हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका भूगोल के वन लाइनर क्वेश्चंस में। पार्ट थ्री आज हम करने जा रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे और भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे और इसकी पीडीएफ एक साथ 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ दे दूंगी। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट करके ये मत क्वेश्चन कीजिए कि पीडीएफ नहीं मिल रही। पीडीएफ मैं अपलोड करती जा रही हूँ। आज ही मैंने हिस्ट्री का लेक्चर डाला है, उसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को सक्सेस मंच पेज और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं वहाँ से। इसी तरह जो भी सीरीज़ कंप्लीट होती जा रही है, जो भी पॉइंट वाइज कंप्लीट होता जा रहा है, मैं वो आपको प्रोवाइड करवाती जा रही हूँ साथ के साथ। आप लोग अपने टेलीग्राम को देख सकते हैं और सक्सेस मंथ पेज पे जाके देख सकते हैं, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो व्यूवर्स पहली बार चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके आप वहाँ पर हमारे चैनल पर विज़िट करके अपने काम की वीडियोज़ उसमें देख सकते हैं, कि क्योंकि हमारे चैनल पे प्री और मेंस दोनों से संबंधित बहुत सारी वीडियोस चलाई जा रही हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम भूगोल के पार्ट थ्री करते हैं। ऐसे ही थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके हम इतने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे कि इससे बाहर तो यूपीपीएससी एमपीपीएससी को भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि हम पूछें क्या। तो इसीलिए ये सीरीज़ चल रही है, आप एक बार टाइम निकाल के इसे ज़रूर देखिएगा। हम क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो ये किया स्वेस ने। सियाल और सीमा दो परत होती है यहाँ पर पृथ्वी की, तो सियाल शब्द का प्रयोग स्वेस ने किया। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ी के रूप धारण कर लेते हैं तब उसे क्या कहा जाता है। तो उसे ड्रमलिन कहा जाता है। जब वो ऐसे पहाड़ के रूप में अवसाद इकट्ठा हो जाता है तो उसे ड्रमलिन कहा जाता है। ये हिमनदों द्वारा होता है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है। ये स्पेन और पुर्तगाल दोनों में स्थित है। किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है। तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो होता है उसमें सर्वाधिक विस्फोटक होता है, मतलब कि ज्वालामुखी फूटते समय विस्फोट ज़्यादा होता है उस समय। पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो ये 29.2% है, ऑलमोस्ट 30% हम लोग कहते हैं जब मोटा मोटा पढ़ते हैं कि 30% स्थल है और 70% जल है, लेकिन एक्चुअल जो डाटा है वो है 29.2%, क्योंकि फैक्ट्स बिल्कुल टू द पॉइंट पूछे जाते हैं। 29.2, 29.7, 29.8 ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो इस हिसाब से ये आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन किसका उपग्रह है। तो ये है शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी हो जाती है। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा है और यहाँ पर हमारा एक ध्रुव, ये ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव और यहाँ पड़ेगा हमारा उत्तरी ध्रुव। तो जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, जो कि ये इस टाइप में होती हैं, ये सीधी सीधी जो रेखाएं होती हैं, तो चाहे वो उत्तरी ध्रुव की तरफ हम जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो ये रेखाएं आप देख सकते होंगे यहाँ इसकी जो लेंथ है, जो इसका व्यास है वो बड़ा है। अगर नीचे वाली रेखा की तरफ गौर करें तो उसका व्यास छोटा होता जा रहा है। तो धीरे धीरे जो व्यास है इन रेखाओं का घटता जाता है। व्यास मतलब पूरी रेखा, और अगर इसका हाफ हम लेंगे, इतना पोर्शन, सिर्फ इतना हाफ, तो उसे त्रिज्या कहा जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुधैर्य में अंधेरे का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समूह में कितने का अंतर होगा। तो एक घंटे का अंतर होगा। ये पूरा इसका एक सॉल्यूशन होता है कि कितने डिग्री में कितना होता है। तो एक डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो अगर 15 डिग्री है तो 15 का 4 करेंगे तो 15 × 4, 15 × 4 होगा 60, तो 60 होगा एक घंटा, 60 एक घंटा। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि एक डिग्री में कहीं अंतर होगा तो वहाँ 4 मिनट का अंतर होगा, 4 मिनट का अंतर होगा। तो जब 15 डिग्री का अंतर है तो 15 × 4 हो जाएगा, आंसर आएगा 60। 60 मिनट कितना होता है, एक घंटा होता है, तो वो एक घंटा हो जाएगा। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये है 14 किलोमीटर। एक चीज और इसमें, भूमध्य रेखा पर और ध्रुव पर दोनों पर औसत ऊंचाई इसकी अलग अलग है, तो ये ऑलमोस्ट भूमध्य रेखा की यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है। अब शोभ मंडल, तो हमारा ये पहला जो मंडल होता है वायु का वो है, आप मुझे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बारे में बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो ये चिनुक पवन कहा जाता है, मोस्ट पॉपुलर पवन है ये चिनुक पवन। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो ये न्यासा झील है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये है हमारा पृथ्वी, यहाँ पर आता है अफ्रीका महाद्वीप ऑलमोस्ट, और ये भूमध्य रेखा अगर हम यहाँ कहेंगे तो यहाँ पे झील एक होगी, उसे कहेंगे न्यासा झील। तो ये थोड़ा सा मैप के साथ आप अगर ज्योग्राफी करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपको ये चीज़ समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना है कांगो नदी पर, ये अफ्रीका की मोस्ट फेमस नदी है कांगो नदी, स्टेनली जलप्रपात। अब आप मुझे आज का होमवर्क ये बताइए कि ये कांगो नदी कौन से देश में है, अफ्रीका के कौन से देश में, अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश में स्टेनली जलप्रपात है और ये नदी कौन से देश में है, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं तीनों गुजरती हैं? तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अफ्रीका महाद्वीप से तीन, अभी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन तो है उसमें बताया था अफ्रीका महाद्वीप से। नेक्स्ट, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो ये मिलती है उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ हमारा पड़ेगा उत्तरी अमेरिका इस साइड में। अब उत्तरी अमेरिका का ये उत्तर और ये पूर्वी तट, मतलब ये हिस्सा जो हमारा है यहाँ पर मिलेगी लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, यहाँ पर इस एरिया में, तो यहाँ फॉग बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? समुद्री पर्वत होते हैं जिनका शीर्ष जो होता है सपाट होता है, ऐसा नुकीलेदार नहीं होता, तो उन्हें गुवाट के नाम से जाना जाता है। अमेजन नदी का उद्गम किस अक्षांश के समीप होता है? तो अमेजन नदी भूमध्य रेखा के समीप से निकलती है। अब ये मुझे बताइए कमेंट करके, ये कौन से महाद्वीप में है अमेजन नदी? मैं बता देती हूँ, उत्तरी अमेरिका में है या दक्षिणी अमेरिका में, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। किस महासागर में महासागर गर्तों की संख्या सर्वाधिक है? तो महासागर गर्त मतलब कि नॉर्मल अगर भाषा में कहा जाए तो गर्तों को गड्ढे कहा जाता है, तो प्रशांत महासागर में महासागर के गड्ढों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह, ये रॉटरडम लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, किस देश में स्थित है? तो रॉटरडम स्थित है नीदरलैंड में। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो ये मिसिसिपी नदी है जहाँ पर पंजाकार इस टाइप से डेल्टा बनता है ये जो है, और ये सबसे सुंदर उदाहरण है पंजाकार डेल्टा का, मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, मानचित्र द्वारा आइसोहाइप्स रेखाओं द्वारा किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो समुद्र तल से जो समान ऊंचाई वाले स्थान होते हैं, इक्वल हाइट्स वाले स्थान होते हैं, उसे आइसोहाइप्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हाइप्स और हाइट्स को आप थोड़ा सा कॉमन, मतलब कि कॉमन सेंस से ये कर सकते हैं, थोड़ा इसमें ट्रिक्स भी लगानी पड़ जाती हैं कभी कभी क्वेश्चंस में, तो ये आप समुद्र तल से समान ऊंचाई, ऊंचाई माने हाइट्स और हाइप्स, ये थोड़ा सा मैच करके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, बुशमैन बद्दू आदि जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो बुश में, अगर आपको दोनों में से एक चीज़ पता हो तो आप वो चीज़ लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये जनजातियाँ पाई जाती हैं उष्ण मरुस्थल में, मेनली कालाहारी और मरुस्थल में ये पाई जाती हैं, और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। चाय की खेती के लिए ढालू ज़मीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब चाय की खेती हम करते हैं तो ज़्यादा मोस्टली ऐसे ज़मीन होनी चाहिए यहाँ पर चाय की पौधे उगाए जाते हैं। अब ऐसी ज़मीन क्यों होनी चाहिए? ताकि पानी जड़ में ज़्यादा जमा ना होने पाए। पानी जब भी चाय की खेती में डाला जाता है तो वो ढाल के सहारे नीचे उतर जाता है, और अगर जड़ में ज़्यादा पानी जाएगा तो इसके पौधे मर जाएंगे चाय के, इसलिए ढालू ज़मीन होनी चाहिए।
विश्व के लावा निर्मित मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो लावा निर्मित मतलब कि यहाँ पर लावा, इस मिट्टी को कहा जाता है काली मिट्टी, लावा से जो मिट्टी बनती है उसे काली मिट्टी कहा जाता है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि दक्कन के पठार में ज़्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है और वहाँ ज़्यादातर कपास की खेती होती है। तो मेनली यहाँ कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि लावा से जो मिट्टी बनती है वो काली मिट्टी होती है और काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट, वियतनाम और लावोस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसे रे कहा जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों का सबसे अधिक केंद्रीकरण छिछले तटीय जल में पाया जाता है क्योंकि इन भागों में सहयोगी कारक है अत्यधिक प्लैंकटन क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं आता तो भी बताइए, मैं आपको बताऊंगी प्लैंकटन क्या होता है। म्यांमार की बाल्डविन खान किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है और इसकी जो बाल्डविन खान है ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 5वें नंबर पे है। आप मुझे कमेंट करिए पहले नंबर पे कौन है। उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया था? मतलब उद्योगों का स्थानीयकरण होना चाहिए ये सबसे पहले किसने बताया था? तो ये वेबर ने बताया था। पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो ये है अबादान, जो कि ईरान में स्थित है। किस देश को विश्व की हेलीपोर्ट राजधानी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हेलीपोर्ट विश्व की राजधानी चीन को कहा जाता है। तो आज यही हमारे समाप्त होते हैं सुपर 30। होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी वीडियोस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MPPSC का प्री आने वाला है जो कि अप्रैल में, डेट तो अभी नहीं आई है लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 7-15 अप्रैल के बीच में हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं जल्दी MPPCS की तैयारी 90 डेज में कैसे करें इसके लिए भी एक वीडियो लाने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके काम की बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाली है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।